बेटियां थीं उनके वंश की चर्चा, आकुति की, देवहूति की और प्रसूति की। प्रसूति के दमान शिव जी हैं, उन्हीं की सबसे छोटी बेटी सती। अब बेटों का थोड़ा चित्रण समझ लीजिए। बड़ा बेटा है उत्तानपाद। जाए उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्यो नेतरा तत्सुतो ध्रुव। उत्तानपाद बड़ा पुत्र, प्रियव्रत छोटा। उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि। बड़ी मार्मिक बात है। उत्तानपाद का अर्थ होता है संस्कृत में उत ऊर्ध्वम पादो यस्य। उत ऊर्ध्वम पादो माने चरण, जिसके चरण उल्टे हों, ऊपर हों और सिर नीचे हो, वो उत्तानपाद। तो हम सभी उत्तानपाद हैं। माँ के गर्भ में हम सब ऐसे थे और वहां पैदा हुए थे, इसलिए हम सिर पहले निकलता है। तो जितने जीव हैं सभी उत्तानपाद हैं। अब हर जीव की दो रानियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति बड़ी है, सुरुचि छोटी है। सुनीति का मतलब आप जानते हैं, सुंदर नीति में चलने वाला। और सुरुचि का मतलब होता है मन से चलने वाला, रुचि मन में होती है, मन भोगी है। समझिए बहुत ध्यान से हैं, हमारे जीवन बिल्कुल दर्पण है शास्त्र का, जो निचोड़ मैं अर्घ के रूप में दे रहा हूँ। तो सुनीति का अर्थ हुआ है बुद्धिमानी सरल अर्थों में, और सुरुचि का अर्थ हुआ मनमानी। जैसे बुद्धि कहती है चलो कथा में सत्संग हो रहा है थोड़ा आनंद आएगा, तो मन कहता है अरे पार्क में चलो घूमने के लिए, वो बूढ़ों काम है क्या करना है। अंतर आ गया दोनों में, क्योंकि पार्क में टहलने घूमने की गप मारने की रुचि मन में है। अब बुद्धि नीति की बात करती है चलो सत्संग में, वहाँ जीवन शैली मिलेगी जीने की। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में बुद्धि कहती है जागो, ब्रह्म मुहूर्त हो गया। शास्त्रों ने कहा है ऋषि जाग जाते थे ब्रह्म मुहूर्त में, तो मन कहता सोने दो बड़ा मजा आ रहा है, कच्ची नींद उड़ जाओगे, दिन भर सिर दर्द करेगा, ऐसा सो जाओ। ये देख लो ये अंतर। तो सुनीति और सुरुचि, तो जो बुद्धि के अनुसार चलता है ध्यान रखना। एक बात और, कल मैंने कहा था गोमती शब्द कहा था ना, नैमिषारण्य में गोमती जी क्या अर्थ है, इसी में नहाए थे मनुष्य और तब तपस्या में लगे थे। गो का अर्थ होता है इंद्रियां, एक अर्थ गो का अर्थ होता है गौ, दो अर्थ है, द्विअर्थी। गो माने गो माता और गो माने इंद्रियां। गो गोचर जान लगी मन जाई, मानस जी में है सो सब माया जान भाई। जहां तक मन और इंद्रियों की पहुंच है वो सब माया ही माया है। तो गो माने इंद्रियां। अब ध्यान देना दो है, गो के साथ आगे का शब्द है मति, कितनी सुंदर बात है, गो मति नदी का नाम है। अगर तुम्हारी इंद्रियां मति से जुड़ी है, मति के द्वारा बुद्धि के द्वारा अगर संचालित है आपकी इंद्रियां, तो गलत मार्ग पर नहीं जाएंगे, क्योंकि बुद्धि निर्णय करके बताएगी पाप है या नीति है और पाप का फल मिलेगा भोगना पड़ेगा, ऐसा मत करो, यह गोमति। लेकिन मति को छोड़कर अगर ये इंद्रियां मन से जुड़ जाएं, तो फिर मन भोगी बनाएगा। इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से तो वो भोगता है, नेत्र के माध्यम से, कान के माध्यम से, नासिका के माध्यम से, स्पर्श सुख के माध्यम से, जीवा के माध्यम से, इन्हीं इंद्रियों को तो मुंह बना के मन भोगी बना है। तो इंद्रियां अगर मन से जुड़ेगी, बहुत ध्यान समझना सिद्धांत को, इंद्रियां अगर मन से जुड़ेंगी तार्मिक को भोगी बनाएंगी, आलसी बनाएंगी, विषयी बनाएंगी, संसार से जुड़ेंगी। और यही इंद्रियां अगर मति से जुड़ गई, बुद्धि से जुड़ गई, तो फिर उपासना होगी, भक्ति होगी, प्रेम होगा प्रभु के चरणों में, सत्संग होगा, भजन होगा, कीर्तन होगा। जो भी मन के पीछे लगे, आज तक याद रखना, जो भी मन के पीछे लगे वो मार खाए। जन्म को पा के भी बाजी, जन्म के पार।
जन्म को पाके भी बाजी जन्म की थे आए मारने थे आए मारने पर खाके मन से मार मन की मार खाके जीवन भर भोगी बन के कुछ नहीं कर पाया, शरीर रोगी बन गया, मर गया। आए थे क्या मन को मार कर, इनको इंद्रियों से लगाएंगे, कीर्तन करेंगे, सत्संग करेंगे, दान करेंगे, उपकार करेंगे, सेवा करेंगे, भजन करेंगे, इसलिए मानव शरीर दिया था परमात्मा ने। एक संत एक दुकानदार के यहां पहुंचे, क्या कर रहे हो? दुकानदार संस्कारवान था, आइए महाराज जी, बड़ी कृपा, चरण रख दिया आपने, बैठिए, बिठाया गद्दी पर, क्या सेवा करूं? और बस सेवा लेने नहीं आया हूं, आज्ञा करें प्रभु। क्या कर रहे हो? बोले देखने पर दुकानदारी कर रहा हूं। अच्छा, बहुत अच्छी बात, क्यों दुकानदारी कर रहे हैं? बोले सीधी सी बात महाराज, पैसा कमाने के लिए दुकानदारी करता हूं। बहुत अच्छी बात है, दुकानदारी कर रहे हो और पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, पैसा क्यों कमाना चाहते हो? तो सीधी सी बात महाराज, परिवार को पालन पोषण करने के लिए, जीवित रखने के लिए। बहुत अच्छी बात, दुकानदारी कर रहे हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमा रहे हो परिवार को जीवित रखने के लिए। पुत्र मेरा अंतिम प्रश्न है, सोच के उत्तर देना। बोले हाँ, जीवित क्यों रहना चाहते हो? खत्म हो गया, कुछ नहीं बोल सकते। जीवित क्यों रहना चाहते हो? भोगने के लिए, धन कमाने के लिए? ये तो पशु योनि में भी औरत मिल जाती है, संतान हो जाती है, अरे गोबर में रहने वाले कीड़े को भी भोग मिल जाता है। क्या लक्ष्य है तुम्हारा? क्यों जीवित रहना चाहते हो? ये जीवन किस लिए दिया परमात्मा ने? भोगने के लिए? तो कीड़े भी करते हैं, चींटी के भी मुंह में आपने अंडा देखा होगा, मतलब वो भी भोगती है, नारी शरीर का साथ करती है, कुत्ते बिल्ली गधे जितने भी देखते हो सभी भोगते हैं, संतान पैदा करते हैं। तो तुम किस लिए जन्म पाए हो, मानव शरीर पाए हो? चुप, जीवित क्यों रखना चाहते हो पुत्र? क्यों रहना चाहते हो जीवित? जीवित रहने के पीछे उद्देश्य क्या है? चुप हो गए बेटे, तुम सब अपना मूल को भूले हुए, और मूल है हमारे परमात्मा। जन्म किसने दिया? उसने दिया। इस शरीर किसने बनाया? उसने दिया। शरीर में प्राण का संचार किसने किया? उसने किया। धरती किसने बनाई? हवा किसने बनाई? ये सूर्य सब उसने किया। अब उसी मूल को भूले हुए, अब भोगने में लगे हुए। मूल का सिंचन करते रहोगे तो पेड़ हरा भरा रहेगा, और मूल को छोड़ दोगे तो कब कट जाओ कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जन्म को पाके भी बाजी जन्म की थे आए मारने पर खाके मन से खींचा है ये कि मैं हर श्वास तेरा नाम जपूं, खींचा है ये कि मैं हर श्वास तेरा नाम जपूं, पर थे आए मारने पर खाके मन से जन्म को पाके भी बाजी जन्म की फिर फायदा किसे हुआ? तो चढ़े जो नाव पे सत संग की, नाम खिवैया है साथ, चढ़े जो ना
पे सत्संग की नाम खिवैया बड़े आराम से होके से बड़े आराम से होके वो से हम थे आए माने पर खाके मन से मार जन्म को पाके भी बाजी जन्म इसलिए जहां ये मन इंद्रियों के साथ जोड़ोगे तो मन केवल और केवल भोगी आलसी बनाएगा, परिणाम बहुत दिक्कत होगा। यह सुरुचि का पक्ष उत्तान उत्पाद रूपी जीव का, लेकिन जब इसी इन्हीं इंद्रियों को मस्तिष्क ज्ञान बुद्धि के साथ जोड़ोगे तो फिर यह नियंत्रण करेगी नहीं, ये पाप है, क्या लक्ष्य है मेरा, तब भजन होगा, कीर्तन होगा, दान होगा, परोपकार होगा, क्योंकि मेला है। मेले में आकर्षण होता है, लेकिन 10-15 दिन महीना बाद उसके बाद सब सवारी में बैठे हैं। पिताजी का स्टेशन आ गया तो दादाजी का आएगा तो पहले उतर गए, चले गए दुनिया से, उसकी जगह आके बेटा बैठ गया, मैं हमारा बाप बैठ गया। दादी जी का स्टेशन आया, उन्हें उतर गए, फिर पिताजी का आया वो उतर गए, माँ की आई वो स्टेशन आया वो उतर गई, सबको जाना है। इसलिए यात्रा को यात्रा के रूप में देखो। बिंजल ने बड़ी मार्मिक बात कही है, आज दिलीप दधीची कहां हरिश्चंद्र गए किस लोक बताएं, राम गए वह रावण भी जिसने अखिलेश्वर से प्रण ठान, कौरव पांडव कृष्ण गए मन मूरख एक चलान बहान, अब भी चित चेत अचेत यारे इस जीवन का फिर कौन ठिकाना। सोए सोए पहले गर्भ में सोता है ये उत्तान पाद रूपी जीव, गर्भ में पौढ़ के पौढ़े मही पर पैदा हुआ तो धरती पर, फिर पालना पौढ़ के बाल कहाई, अब पाई जब तरुणाई तिया संग से जपे पौढ़ के मौज उड़ाए। लेकिन मेरा बाप भी सोए सोए देख रहा है क्षीर समुद्र में, उसे भूल गया, क्षीर समुद्र के पौढ़न हारक ब्रह्म कबहु नहीं ध्यान लगाए, पौढ़त 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 ही सो चिता पर पौढ़न के दिन आए। इसलिए बिंदु जी कहते हैं, अरे मन ये 2 दिन का मेला रे, 2 दिन का मेला, अरे मन ये 2 दिन का मेला रे, 2 दिन का मेला, कायम ना जग का झमेला रहेगा, झमेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा।
की दौड़ थी, क्योंकि सारे अब छिप जाते हैं। मेरे भैया माफ करना, अगर धन बड़ा होता तो एक उदाहरण दूं आपको। आप कार में जा रहे हो और चार तरफ से दौड़ाकर कार वालों ने घेर लिया, पिस्तौल लेके निकले, बंदूक लेके निकले, बोले रख दो बैग, 50 लाख रखो, बैंक से निकाल के जा रहे हो, रख दो नहीं तो शूट कर देंगे, क्या करोगे? आज लोग कहते हैं सबसे बड़ा रुपया दादा जी ने ना भैया, यही कहोगे उस समय? बैग रख दो नहीं तो शूट कर दूंगा, तो नहीं नहीं सबसे बड़ा रुपया दादा जी ने ना, यही कहोगे? क्या कहोगे? ले ले भैया, फिर जिंदगी नहीं कमा लूंगा, यही कहोगे ना? तो आपने खुद सिद्ध किया कि पैसा बड़ा नहीं हुआ, प्राण बड़ा। ठीक, अब प्राण बड़ा है फिर आदमी आत्महत्या करके मर रहा है, बोलो आप। सिद्ध हो गया कि भाई सबसे बड़ा प्राण है, पैसे से बड़ा प्राण है, प्राण रहेगा तो फिर पैसा कमा लेगा, पैसा तो हाथ में मैं ले। तो फिर जब प्राण परमात्मा ने दे दिए हैं तो फिर आदमी आत्महत्या कर क्यों मर रहा है? फांसी लगा के, आग जला के, जहर विष पान करके, जल में कूद के, किसी न किसी रूप में मर रहा है, प्राण तो मिला है। तो प्राण से भी बड़ी वस्तु ही शांति, शांति नहीं है, उसे जीते जी इतना तनाव, इतना दुख हो गया कि प्राण को अपने आप से निकाल रहा है, मर रहा है। तो निर्णय हुआ सबसे बड़ी शांति है, ये निर्णय हुआ ना, तो शांति कहाँ मिलती है? ईमानदारी से बोलो, एक डेढ़ घंटे से बैठे हो, रोज 3-4 घंटे बैठते हो, कैसा लगता है? शांति मिलती कि नहीं? सत्संग का फायदा नकद है, याद रखना, तुरंत शांति मिलती, टेंशन दूर होते हैं, बीपी शांत होती है, अवसाद दूर होता है। कहाँ मिलेगा वो? सत्संग में मिलेगा। तो सबसे बड़ी शांति है, और शांति मार्केट पे नहीं है, नहीं तो आप लोग रिजर्व कर लिए होते, उसे बैंक में जमा कर दिए होते खरीद। शांति केवल और केवल सत्संग से, महात्माओं के चरण में, सदगुरु के पास मिलती है, अन्यथा कहीं नहीं। तो कहता है ये दौलत, फिर झूठ बात है ये, दौलत सबसे बड़ी बात है। कहता है ये दौलत कभी आएगी मेरे काम, पर ये तो बता धन हुआ किसका भला गुलाम। समझा गए उपदेश किसने? हरिश्चंद्र सम्राट थे अवधक। ऐसा समय आया कि खुद बिक्री हुए, पत्नी को भी बेचे। भगवान राम सोए थे तो ये समाचार मिला था कलयुग राज बनेंगे, और सुबह हुआ तो अपने लोगों ने सारे आभूषण तक वस्त्र उतार लिए और साधु बना के भेज दिए। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश थे, सोने की द्वारिका थी, द्वारिका समुद्र में विलीन हो गई। संपत्ति ना भगवान राम के काम आई, 14 साल जमीन पे सोना पड़ा, कंद मूल फल खाना पड़ा। संपत्ति हरिश्चंद्र की काम नहीं आई है, अयोध्या की मरघट की रखवाली करनी पड़ी। तो समझा गए उपदेश हरिश्चंद्र कृष्ण राम, दौलत तो नहीं रहती है, रहता है सिर्फ नाम। तेरे सफर में सवारी की खातिर कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा, कंधों पे ठठरी का ठेला रहेगा, अरे I'm
अधिक तुम्हारी चिता में आग लगा देगा, इसके बाद सब साथ छोड़ देगा, फिर कौन जाएगा? साथी है मित्र गंगा जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान, परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो वक्नी दान तक, साथी गंगा जल आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहे, बड़े आदमी हो आप, लेकिन एक दिन काठ की घोड़ी चढ़नी पड़ेगी, चढ़नी पड़ेगी, चढ़नी पड़ेगी। इस सत्य को लक्ष्य बनाकर जियो। कितनी सुंदर बात, कितना सुंदर तरीका दिया है हमारे शास्त्रों ने। जब आप लाज बुक करके रहते हो, महीना दिन रहते हो, तो लाज को छोड़ते समय पीड़ा होती है आपको, अरे महीना भर बेचारा वासना हो,
कभी पीड़ा हुई? क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि मन में बसा है ये मेरा नहीं है, और दुकान मकान सब पकड़ के बैठे हैं मेरा है, तो दुख कौन देना है आपको? आपका मेरापन, आपकी ममता। जिस दिन हटा लोगे संसार को, देखो जिंदगी अलग है। काम ज्यादा करोगे लेकिन आसक्ति नहीं रहेगी। Exclusive news. Keep watching Chhattisgarh's first online news channel and portal. Clip started.